डेक योर सीट। बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा? कौन बच्चा? मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू शुरू में लोग मेरे रॉब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज, ड्राइविंग, डिसिप्लाइन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम, ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम, मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम CCTV कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं, कितने अच्छे हैं सर। सो, तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो, डरो मत, डाउट है तो पूछ लो। पूछ लो ना सर। आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। बच्चा है। यू आर इनोसेंट, आई लाइक यू। यस, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू बॉस। आप सच कह रहे हैं? आपको नौकरी मिल गई? हाँ, नौकरी भी और चाबी भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। भगवान करे आपका पहला पैसेंजर नेक इंसान हो। अब देखना सब ठीक होगा। त्रिशा, जल्दी चलो, मेरी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मोहरत का इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी चलो। सेशन को। हेलो जूनियर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी चलो ना। हाँ चलता हूँ। वो झूठे गवाह का इंतजाम हुआ। जल्दी चलो, जल्दी चलो ना, ओवरटेक करो उसे, लेट हो रहा है। अभी करता हूँ मैडम, करता हूँ। बस, हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। मैडम, किराया देके जाइए मैडम। मैडम, आज तक हम कोई भी केस नहीं जीते, पर ये वाला जरूर जीतेंगे। सच में? जी। मैंने प्रोफेशनली झूठ बोलने वाला बुलाया है। हाँ। मैडम, मेरा किराया मैडम। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जेल से छुड़वा कर रहूंगी। डोंट वरी, आई एम देयर, फॉलो मी। मैडम, मेरा किराया मैडम। वो झूठा गवाह दिखने में एकदम इनोसेंट है ना? एकदम मासूम है। ओके, और बेबी फेस है ना? एकदम बेबी फेस है मैम, एकदम छोटा बच्चा। वैसे वो है कहाँ? वो रहा। गुड मॉर्निंग, एक पौवा मिलेगा। पौवा? क्या पौवा? पौवा, कितनी बास आ रही है, क्या है? आप समझे नहीं, ये दारू मांग रहा है। दारू? दारू क्या? मुन्ना, तुम कोल्ड ड्रिंक के साथ लोगे या सोडे के साथ? उसको कह रहे हो तो अपना डायलॉग बोल के बताओ। हाँ जल्दी बोल, बोल ना। पुंजो बोलेगा, एकदम सच बोलेगा। पौवा मिलेगा? योर ऑनर, अपनी आंखों से वो हादसा देखेला है। अब तो पौवा दिखने में तो मासूम है ही, आवाज भी देखिए कितनी मासूम है। मां जी हमें जरूर जिताएगा। अरे ये क्या, प्लीज उठो, कम ऑन, अरे उठाओ इसे। मैडम, अगला केस आप ही का है। सब मिलेगा। काले कुर्ते वाली पौवा, बोल मैडम। क्या, मेरा 150 रुपए किराया दीजिए ना मैडम। दे दीजिए ना मैडम। White skin, baby face, innocent smile. तुम्हें अपने 150 रुपए चाहिए ना? वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो कहूंगी वो करोगे? क्या करना होगा? कोर्ट रूम में गवाह बन के आना, और मैं जो लाइन्स कहूंगी उन्हें जज के सामने दोहराना। लेकिन मुझे लाइन्स ठीक से याद नहीं रहती। Just missed it. Juniors, लाइन्स सिर्फ बोलने वाले को याद रखनी पड़ती है। तुम गूंगे होने की एक्टिंग करोगे, गूंगों को लाइन नहीं बोलनी पड़ती। You are genius. जब भी मैं अपने माथे पर ऐसे हाथ रखूं, तुम्हें अपने सर को इस तरह से हाँ में हिलाना है। ओके, अब करके दिखाओ। आपने तो अभी तक हाथ रखा ही नहीं मैडम। आओ। क्या नमूना है, एकदम इनोसेंट। Once more.
जीनियस है, इसका एड्रेस ले लेना। अपने सारे केसेस में हम इसी को अपना झूठा गवाह बनाकर पेश करेंगे, हमारा तो करियर सेट हो जाएगा। योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बशुद, कमाल कर दिया तुमने। मिस्टर एन मुखर्जी के खिलाफ एक भी आरोप साबित ना होने की वजह से अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। और आज मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एडवोकेट श्वेता की, जिन्होंने एक गूंगे इंसान की मदद से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। फोन किसका बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? हाँ त्रिशा। हाँ भैया, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। आप कहाँ हैं? मैं कोर्ट में गूंगे की एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? ये क्या किया तुमने? You stupid girl! तुमने कोर्ट की तोहिन की है। Get out from the court! मुझे नहीं पता था। Sorry. टैक्सी। कम यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। वो वाली है सर, बैठिए। थैंक यू। हाँ बोलो त्रिशा। भैया आज मेरी क्लासेस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई, आप मुझे कॉलेज से पिक कर लोगे प्लीज? मेरे साथ पैसेंजर है सर, मेरी बहन का कॉलेज इसी रूट पर है, उसे पिक कर सकता हूँ क्या? हाँ श्योर। थैंक यू सर। त्रिशा आओ जल्दी बैठो। सॉरी सर, मेरी वजह से लेट हो गए। अब चलिए भैया। जानते भैया, आज हमारे कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन था, बहुत अच्छी, उसमें मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई। वेरी नाइस। और ये वाली सर, मेरी बहन ने ड्राइंग्स बनाई हैं। जानते हैं सर, ये मेरे और मेरे भैया का फेवरेट स्केच है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक बार मेरे हाथ में पेंसिल और पेपर आ जाए, मैं ड्राइंग बनाती जाऊंगी। ये मैंने एक और फ्रेंड का स्केच बनाया। वेरी नाइस। भैया आराम से, रुकिए रुकिए, आप लोग मेरे साथ आइए। बाय भैया। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। हाँ? ये यही रह गया। थैंक यू सर। आपका नाम? अर्जुन सर। अर्जुन सर थैंक यू। ओके लेट्स गो। जी मॉम। अरे अर्जुन आ गए तुम। अरे अंकल नमस्ते आंटी। मैं बाद में। माँ कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। काफी दिनों बाद मेरे चॉकलेट्स लाए हो ना? लाया हूँ। अच्छा ये बताइए श्वेता घर पे है या नहीं? तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, देखो तो कितने दुबले हो गए हो। मैं इसकी घर के लोगों ने नोटिस किया या नहीं? सीनियर आपकी नौकरी छूटे या सर फूटे, उनको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आपकी बड़बड़ से ही कान खड़े हो जाते थे, लेकिन अब तो धमाकों का भी कोई असर नहीं। आई थिंक होल फैमिली वांट्स टू इंसल्ट यू। सेक्शन आईपीएल 2020। अरे सुना सीनियर, अब इनसे कोई काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी चीज तोड़ो, कोई बड़ा धमाका जिससे कान के पर्दे फट जाए। बड़ी चीज? हाँ ऐसा ही कुछ। सीनियर इस पोज में आप बिल्कुल सनी लियोन लग रही हैं। मेरा मतलब सनी देओल। देख देख देख। ये चॉकलेट मैं किसी से नहीं। इस एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ? भारी रिएक्शन है। हैप्पी रिएक्शन। सीनियर टूटने वाली चीजों की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर, इंसान के टूटने से फर्क पड़ सकता है। क्या करना होगा? 10 फीट पीछे आइए। अब तेजी से आगे की तरफ बढ़िए। रनिंग। वाओ। तब तो ये बैंग बैंग की कैटरीना कैफ लगेंगी। किस तरफ भागूं? भागते हुए सीधा ड्राइंग रूम में कूदी मारो, एकदम सुसाइड बॉम्बर की तरह, तभी आपको आपका मन चाह रिएक्शन मिल सकता है। इट्स ओके, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हम आपके लिए कोई और आइडिया सोच लेंगे। ये इम्पोर्टेड आइटम खुद चल कर आ रहा है। सिस्टर, ब्रदर, ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए। मेरी जॉब चली गई इसलिए तुम मुझे लॉ की किताब गिफ्ट।
कर रहे हो? चढ़ा रहे हो मुझे? क्यों मार रही हो? अरे मम्मी शुरू हो गया। रुको तो। ये पगली नहीं है। जॉब तुम्हारी गलती से गई है। उसका गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? वैसे लाइसेंस तो उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से गया है। ओए, अपनी गलती के लिए टैक्सी ड्राइवर को कोसने से कुछ नहीं होगा। देखना, मैं एक दिन उस टैक्सी ड्राइवर का मीटर हमेशा के लिए डाउन कर दूंगी। लेकिन मॉम, मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था बहुत ही अच्छा था। कोलकाता में आपका स्वागत है सर। प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशपाल, स्पेशल कमिश्नर फॉर क्राइम्स इन कोलकाता। मैंने आप सबको आज यहां एक खास वजह से बुलाया है। ये है अनिकेत, एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया का की ऑपरेटर। ये माफिया एशिया और अफ्रीका के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से लड़कियों को किडनैप करके सी रूट से डेवलप्ड कंट्रीज स्मगल करते हैं। और अब इनके यू अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट मिल रहा है अपने बड़े भाइयों अभिनय और राहुल से। ये लोग अब कोलकाता को बेस बनाकर इंडिया की गरीब लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त इस ग्रुप के लिए 30 एजेंट्स काम कर रहे हैं, जिनकी डिटेल्स आपको दी जा रही है। पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं रह सकती, पर आप सब हर वक्त शहर की गली गली में घूमते रहते हैं, इसलिए आप में से किसी को भी इन क्रिमिनल्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो फौरन हमें बताइए। आपकी इस छोटी सी मदद से इन क्रिमिनल्स के गैंग को हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देने पर उचित इनाम भी मिलेगा। सर, इनाम देने की क्या जरूरत है? पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है, हम तो वैसे ही बचा देंगे। चुप करो गणेश, चुप करके सीटों। क्या हुआ सर, ये सब करने की क्या जरूरत है? वो पैसे आपको चाहिए सर, पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। वही ना सर, पर जिंदा तो रहना है ना। अरे ये कोई मामूली जेबकतरे नहीं है, टेररिस्ट है, डेंजरस पीपल। दोनों यूनिफॉर्म्स में कंफ्यूजन मत करो, वो खाकी है, ये टैक्सी है, इसलिए नो मोर स्पीको। गणेश, तुम अकेले अपनी बहन को लेकर यहाँ आए हो, इन सब झंझटों में प्लीज मत पड़ो।